हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है हमारा एक नए वाले ब्लॉग में। ये वाला ब्लॉग हमारा गांव का है और अभी हम खेत पहुंच चुके हैं अपना। आप लोगों को दिखाएंगे कि अभी धान का छुपाई चल रहा है और फिर इसको वापस घर लेके जाया जाएगा और घर के पास ही थ्रेसरिंग होगा। चलिए खेत के तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपना गाड़ी को लॉक कर लेते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि रोड के साइड में है, पता चले नेपाल यहाँ से बगल में है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना जरूरी होता है। चलिए खेत की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले हम आपको यहाँ पे अपना दिखाते हैं खेत का नज़ारा कैसा है यहाँ से। हम भी एकदम किसान लुक में दिख रहे होंगे आप लोगों को। ये देख सकते हैं गाइस, ये अभी पका नहीं है, देख सकते हैं आप, ये अभी कच्चा है, इसमें अभी टाइम है पकने में। खैर ये मेरा है भी नहीं, ये मेरा, और ये पक चुका है। अगर हम इनका इस चीज को आपको दिखाएं तो आपको दिखने में आएगा, पर ये क्या है कि लेके चले गए हैं उधर। ये देख, ऐसा रहता है पके हुआ का शीश, ये मतलब पूरा ये हो गया है ऑलमोस्ट फ्राई, और ये अभी फ्राई नहीं हुआ है धूप। चलिए देखते हैं, देख सकते हैं ये वाला बांस भी हमारा ही है और ये इधर हो गया है, और ये देख सकते हैं बकरी सब घास चल रही है। तुम लोग ब्लॉग में आ जाओगी, देख सकते हैं इधर से लेके आपको वहाँ जाओ जहाँ हमारा बाइक दिख रहा होगा आपको, वहाँ से लेकर के यहाँ तक ये साइड मेरा है, और उधर सड़क से मेन सड़क से लेकर के यहाँ तक। अब ये वाला खेत भी मेरा है, इसके बाद टर्निंग हो जाता है वो वाला खेत से सीधा। चलिए दिखाते हैं वहाँ से आपको। ये मेरा दोस्त की दोस्ती करे चाहिए, यहाँ लो लिए है, यहाँ लो लिए है धान कौन माँ आपने लड़वा है, आप की करे चाहिए हैं बाबू, आप की करे चाहिए। यहाँ से देख सकते हैं आप, फिर चलते हैं हम लोग आगे इधर सामने। गाइस ये देख सकते हैं आप, छोटा सा नन्हा सा एक प्यारा सा जीव है हमारे पास, जो तभी से हमारा दाढ़ी को ये घास समझ के चबा रहा था। देखिए अभी भी, चलो चलो, अरे 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 अरे, ये हमारा खेत में मिला हमको, इसको पकड़ लिए हैं। बहुत छोटा सा बच्चा है, देख सकते हैं ये छोटा बच्चा, ये हम आपको बता रहे हैं कि यही खेत है एक समय में जब हम 4 क्लास से लेकर के और 10 क्लास तक गांव में थे। तो ये एक समय है कि 4 क्लास से 10 क्लास तक हम ये खेत में हर काम किए हैं, जैसे कि जब धान का कटाई बुआई शुरू होता था तब से लेकर के यहाँ खेत में खाना पहुँचाना, खेत में हम खुद अपने से कुदाली से ऐसा खेत का आरी वारी बनाना, ये सब सारा किए हुए हैं, खाद छिटना, बीज बोना, ये सब किए हैं, यही खेत है। और इसलिए हम अभी भी जब भी आते हैं घर तो भैया खेत आते हैं, क्योंकि यहाँ से एक अलग ही याद जुड़ा हुआ है। टिकटॉक पे तभी शायद हल्का सा मेरा ग्रोथ स्टार्ट ही हुआ था, यानी कि 7 से 8 हज़ार फॉलोवर ही हम गेन किए थे मात्र 15 से 20 दिन में, और तभी बंद हो गया था। तो यही है कि वही जो 15-20 दिन हम टिकटॉक पे काम किए थे, तो यही खेत में आकर के हम ये मकई का जो ना घास काट के लेके जाते थे गाय के लिए, इसी खेत से, यही खेत है, यही वो खेत है जिससे हम काटते थे। काटने के बाद फिर उसको पैक करते थे, बांधते थे, फिर लेके निकलते थे, और ये काम हमको 2 बजे तक कंप्लीट कर लेना होता था, क्योंकि 3 बजे से फिर 3 बजे से फिर क्या था कि हमको वीडियो बनाना होता था। आप समझ रहे होंगे कि 3 बजे ही क्यों, क्योंकि 3 बजे इसलिए क्योंकि जो सनसेट होता था तो उसका जो धूप डायरेक्ट गिरता था खिड़की के पास रख के हम वीडियो बनाते थे फ़ोन को, तो तभी क्वालिटी बड़ा तगड़ा आता था। उस टाइम हमारे पास वन प्लस का कोई मॉडल था, तो बहुत अच्छा बनता था सनसेट के टाइम, क्योंकि धूप अगर सुबह बनाते तो धूप उधर से घूमता था, उधर अपोजिट साइड, उस साइड मेरे घर में कोई खिड़की थी नहीं, तो इसीलिए। ये देखिए गाइस, हम निशाना दिखा रहे अपना, अरे तरी बहनी की जाय करो, ओहो फ्लॉप निशाना।
दोस्तों उस दिन ब्लॉग आधा पे ख़त्म कर दिए थे, क्योंकि ख़त्म नहीं सॉरी मतलब उस दिन आपको पूरा दिखा नहीं पाए थे क्योंकि हमको भूख लग गया था और हम घर चले गए थे। तो यहाँ से हम आगे प्रारंभ करते हैं, यहाँ से आगे दिखाते हैं आपको इसके आगे क्या है, कौन सा खेती। वैसे तो जैसे ही धान का खेती ये ख़त्म होगा इसको जोता जाएगा, नया फसल के लिए खेत को तैयार किया जाएगा। अभी देख सकते हैं कि यहाँ धान के खेत में इस बार थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं खेत का जो है ना ज़मीन का टेस्टिंग होने के लिए थोड़ा सा मैं आलू लगाया है कि अगले साल इसका क्या नतीजा निकल के आएगा, कितना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसको टेस्टिंग बोला जाता है, ताकि थोड़ा सा मैं लगा करके देखते हैं ये लोग कि क्या इस मिट्टी पे, क्योंकि यहाँ पे आज तक कभी आलू नहीं बोया गया था, तो क्या इस पे आलू होना संभव है अथवा नहीं। देख सकते हैं ये आलू का इतना दूर किया गया है टेस्टिंग के लिए आलू। देख सकते हैं आलू का पौधा को आप यहाँ, कुछ खास नहीं है, कमज़ोर है बहुत ज़्यादा ये पौधा यहाँ पर भी। तो अभी जो खेती के जो विशेषज्ञ हैं वही समझ पाएंगे कि इस पर होना संभव है अथवा नहीं। हालांकि इस खेत में मूंगफली और मकई बहुत ही ज़बरदस्त होता है जहाँ तक हमको पता है, क्योंकि इसमें मूंगफली और गेहूं और मकई का खेती हम खुद भी किए हैं। देख सकते हैं गाइस हमारा ऐसा हो गया है हाल, अभी आपको दिखाएंगे ये कटा हुआ है जिससे वहाँ उधर हो जाएगा, इसमें लगेंगे ये लोग, इनका छुपाई किया जाएगा, छुपाई मतलब यहाँ से अलग कर दिया जाता है, यहाँ से किया जाता है। देख सकते हैं वहाँ तक हमारा खेत है, वो गाच आप लोगों को पेड़ पौधा दिख रहा होगा, वो यहाँ नहीं वो पेड़ पौधा दिख रहा होगा आपको। यहाँ हम खम्भा भी दिखा सकते हैं, ये खम्भा मेरे खेत में ही है ये खम्भा, तो ये खम्भा के बाद से हमारा फिर ख़त्म हो जाता है खेत। वहाँ से वापस वहाँ जहाँ सड़क आप लोगों को दिख रहा होगा, जहाँ सड़क पे लोग चल रहे हैं वहाँ तक अपना खेत है, और इधर वहाँ खम्भा जो दिख रहा है आपको, इसमें यहाँ अभी धान का खेत किया गया, फिर इसके बाद उधर हो जाता है जो उधर कोसी नदी है, उधर इस होगी निकलती है उधर, तो उधर अपना खेत फिर आ जाता है। उधर ही ललित ग्राम स्टेशन भी है, जो लोग सुने होंगे ललित ग्राम वो वहीं पे एग्जैक्ट उसी जगह पे। तो गाइस अगर हमारा खेत वाला ये वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा है, उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही लगा होगा, तो प्लीज़ आप जो है ढेर सारा इस पे प्यार उमड़ाइए बरसाइए, और थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऑफकोर्स हम परमानेंट वीडियो डालते रहेंगे जो भी हो, क्योंकि अब हम यूट्यूब को लेकर के भी थोड़ा सा कंसर्स हुए हैं, और क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कमेंट सेक्शन में हमारा कि यूट्यूब को भैया ध्यान दीजिए, यूट्यूब पे भैया ध्यान दीजिए, यूट्यूब एकदम से ध्यान देने लगे हैं, अभी गाँव में है तो सोचे गाँव का ही क्यों ना कुछ दिखा दिया जाए आपको। चलिए फिर ये हमारा बसंती यहाँ लगा हुआ है, बसंती, अब इस बसंती से हम चलिए बैठेंगे, फिर हमको निकलना पड़ेगा दीदी के यहाँ हृदय नगर। चलिए बसंती का सवारी।